डॉलर की कीमत में कमी की वजह से टोयोटा इंडस मोटर्स ने मुख्तलिफ ब्रांड और कैटेगरी की गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी है, जिससे गाड़ियों के कारोबार में कदरे बेहतरी आने लगी है। मगर अभी भी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि शोरूम्स पर ख़रीदारी उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से 1.5 साल कबल हुआ करती थी। गाड़ियों की कीमतों में मज़ीद कमी कब होगी, रिपोर्ट करेंगे अशरफ मेहताब। गाड़ियों के कारोबार से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, लेकिन जब से डॉलर की कीमत आसमानों पर चली गई, गाड़ियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। डॉलर के निर्ख कम हुए तो टोयोटा इंडस मोटर ने भी मखसूस गाड़ियों की कीमतें कम कर दी। 1300 से 1500 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक कमी हुई। छोटी गाड़ी का 1 लाख से 1.5 लाख से लेके तकरीबन 13 लाख रुपए तक प्राइस कम की है बड़ी गाड़ी की। अगर बात करूँ फॉर्च्यूनर की या रिवो की, 1600 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक कमी। IMI 188D कैटेगरी की कीमत में 2,30,000 से 2.5 लाख रुपए तक कमी। फॉर्च्यूनर की मुख्तलिफ कैटेगरी की कीमत में 12,90,000 रुपए से 13,10,000 रुपए तक कमी कर दी गई। जिनके पॉइंट से दूर है गाड़ी, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि डॉलर जैसे नीचे आया है तो वो गाड़ी परचेज कर सकें। ये मजीद नीचे आने की वजह से जो है ना और ज्यादा जो है ना उनके लिए बेनिफिट होगा। शोरूम मालकान का कहना है कि गाड़ियों की कीमतों में ज्यादा कमी उस वक्त होगी जब डॉलर 250 पे या इससे कम की सतह पर आएगा। इससे शोरूम मालकान का कारोबार भी चलेगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिल सकेगा। हर साहब हैसियत की कोशिश होती है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, लेकिन गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है जिसकी वजह से वो ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। डॉलर कदरे नीचे आया जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में कदरे कमी हुई है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है कि डॉलर और नीचे आए और गाड़ियों की कीमतों में कमी आ सके। कैमरामैन बाकर हुसैन के साथ अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर।